नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री 13 बार यात्रा कर चुके हैं और वो बिहार का 13वां कर चुके हैं। बिहार के लोग तो ये जानते ही हैं कि 13वां कब होता है, उनको यह समझ लेना चाहिए कि 13वां के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उन्होंने यह समझना चाहिए कि उनके ही गठबंधन के एक बड़े नेता कह चुके हैं कि यदि पहले को यात्रा उपयोगी होता तो वापस से इसकी जरूरत नहीं होती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में जारी युद्ध पर बेहद गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और शुरुआत से ही भारत का प्रयास दोनों देशों को वार्ता व कूटनीति के मार्ग पर लाने का रहा है, क्योंकि हिंसा के जरिए मतभेदों को नहीं सुलझाया जा सकता। भारत दोनों देशों से बार बार कूटनीति और वार्ता के मार्ग पर लौटने का आह्वान करता रहा है। दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से ऑस्ट्रिया पहुंचे जयशंकर ने यह टिप्पणी भारतीय समुदाय के साथ संवाद के दौरान की। पूर्व सांसद सह जन अधिकारी पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव ने बोकारो में बाबा रामदेव को लेकर एक विवादित बयान दिया है। वैसे तो पप्पू यादव पहले भी बाबा रामदेव को घेरने का काम किया है। पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति में सभी लोग दलाल हो गए हैं, यही कारण है कि राम रहीम आशाराम सभी लोग अच्छे हो गए हैं। बाबा रामदेव को पप्पू यादव ने चरित्रहीन करार दिया है। मुजफ्फरपुर में 3,706 शिक्षकों का फोल्डर निगरानी विभाग को नहीं मिला है, उनकी तलाश शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित 13,569 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। मुजफ्फरपुर निगरानी विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की चल रही जाँच की समीक्षा मंगलवार को होगी। शेयर मार्केट के पोजिशनल निवेशकों को सिर्फ हाई रिटर्न का ही फायदा नहीं होता है, बल्कि समय समय पर कंपनियों के द्वारा दिए जाने वाले बोनस शेयर, बायबैक राइट्स, इश्यू आदि का भी लाभ मिलता रहता है। ऐसा ही एक कंपनी के पोजिशनल निवेशकों की किस्मत खुलने वाली है। स्मॉल कैप कंपनी इंडोविड एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड ने राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है। कंपनी शेयर बाजार की तुलना में सस्ते शेयर खरीदने का मौका पोजिशनल निवेशकों को दे रही है। बिहार में नए साल के जश्न में शराब पीने के जुर्म में डाक विभाग के एक बड़े अधिकारी और एक रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। नए साल में धार्मिक आयोजन की आड़ में प्रधान डाकघर में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। पहले भी शराब पीने और इसका धंधा करने में कई दरोगा अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। रविवार की देर शाम उत्पाद विभाग को सूचना मिली, डाक विभाग के प्रधान कार्यालय में शराब पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यालय तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने स्थित है। मोदी सरकार के एक बेहद चौंकाने वाले कड़े फैसले यानी नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इसके खिलाफ 58 याचिकाएं लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी अर्जियां खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बिहार में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राजधानी पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम ने 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। बोर्ड चेयरमैन निधि छिब्बर ने प्रधानाचार्य को लिखे पत्र में कहा कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए 2 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन आयोजित करेगा। नीतीश ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया था। सभी ने शनिवार को अपनी निजी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की। कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट के अनुसार नीतीश के पास लगभग 16.68 लाख रुपए की चल संपत्ति और 58.85 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। मुख्यमंत्री के पास नई दिल्ली के द्वारका में एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में केवल एक आवासीय फ्लैट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, उनके पास 2 सोने की अंगूठियां भी है। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 3 जनवरी 2023 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का टाइम टेबल पहले ही जारी हो गया है। इंटर की 1 से 11 फरवरी और मैट्रिक की 14 से 22 फरवरी तक परीक्षा होगी। वहीं इस परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने कुछ बदलाव किए हैं। शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति परीक्षार्थियों को मिलेगी। 3 घंटे की परीक्षा में परीक्षार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही कक्षा के बाहर पानी पीने या शौचालय जा सकेंगे।
नासा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार एस्ट्रॉइड 2022 YG5 काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज धरती के पास से गुजर सकता है। यह 2022 YG5 नाम का एस्ट्रॉइड 3.7 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के पास से निकलेगा। नासा के अनुसार यह क्षुद्र ग्रह काफी पहले से धरती की ओर बढ़ रहा है। वहीं नासा ने इसकी स्पीड के बारे में बताते हुए कहा कि यह 25,680 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ेगा, जो कि किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से लगभग दोगुनी है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम की मार से बिहार में ट्रेनें 2 से 14 घंटे तक देरी से चली। इनमें मुजफ्फरपुर के 22, पटना के 14, भागलपुर के 12 और गया के 13 ट्रेनें शामिल है। वहीं विमान और बस सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। पटना और दरभंगा के एक एक विमान रद्द रहा। चीन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे चीन में भारतीय छात्र की मौत के पीछे अन्य बीमारी को वजह बताया जा रहा है। परिवार ने विदेश मंत्रालय और भारत सरकार से छात्र का शव स्वदेश वापस लाने में मदद करने की गुहार लगाई है। मृतक छात्र तमिलनाडु के पुडुकोट्टई का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले का 22 साल का अब्दुल्ला शेख चीन में मेडिकल की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप कर रहा था। बिहार में पिछले दिनों एसपी, डीआईजी और आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी एडीजी रैंक के सीनियर अधिकारियों को डीजी रैंक में प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। वहीं इसके बाद प्रशासनिक महकमे में इस बात की चर्चा तेज है कि आखिरकार वह क्या वजह है जिसके कारण एडीजी रैंक के अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। देश में किसानों के लिए सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम के जरिए सरकार किसानों को हित करती है। वहीं सरकार की ओर से किसानों को फसलों की सही कीमत देना, आर्थिक मदद मुहैया करवाया आदि काम भी किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रही है। नए साल के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में लोगों की समस्या सुन रहे हैं। काफी संख्या में अपनी शिकायत को लेकर फरियादी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं। आज के जनता दरबार में अपराध से जुड़े कई मामले सामने आए। मुजफ्फरपुर के हैयापुर से आई एक महिला की फरियाद को सुनकर सीएम हैरान रह गए और पुलिस के आला अधिकारी को फोन लगा दिया और सीएम ने कहा कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। अगर आप नए साल में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप LIC की जीवन लाभ पॉलिसी में निवेश करके आप करोड़ों रुपए के मालिक बन सकते हैं। सरकारी योजनाओं की तरह ही भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश करना अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें परिवार के बीमा के साथ ही निवेश की कई रकम सुरक्षित रहती है। अगर आप भी बीमा योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो आप रोजाना 250 रुपए से अधिक का निवेश कर करोड़ों रुपए तक की राशि बना सकते हैं। अगर आप किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप अपने शहर में घर पर ही प्रदूषण जांच केंद्र खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। वहीं इस काम को करते हुए आप हर महीने 40,000 से 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। भारत सरकार ने साल 2020 में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था। इस व्हीकल कानून में वाहनों के प्रदूषण लेवल की जाँच पर जोर दिया गया है। इस नए कानून के आने के बाद से ही प्रदूषण जाँच केंद्रों की मांग में काफी तेजी आई है। सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान 1 जनवरी को किया गया और सरकार ने कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2023 से प्रभावी माना जाएगा। देश के सरकारी बैंक PNB ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो नए साल पर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बैंक ने 1 जनवरी से ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। PNB में फिक्स डिपॉजिट कर रखने वाले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज के साथ ही और भी कई फायदे मिलेंगे। बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यूनियन बजट से ठीक पहले सरकार के टैरिफ बढ़ाने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि इससे इंडिया में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इससे चीन का विकल्प बनने की इंडिया की कोशिशों को भी झटका लगेगा। क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल अवैध गेमिंग वेबसाइट से होने वाली कमाई को व्हाइट मनी में बदलने के लिए चल रहा था। RBI के नियमों को ताक पर रखकर प्ले प्लस नाम के इस वेबसाइट के जरिए करोड़ों की कमाई की जा रही है। पुलिस अफसरों ने बताया कि देश में कई ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट है। इनमें से कुछ कानूनी तरीके से व्यवसाय कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका संचालन RBI के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। यह वेबसाइट करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। यदि आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपके द्वारा तय की गई दूरी के टिकट की लागत के साथ आपको न्यूनतम 250 का जुर्माना देने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप भुगतान करने से इनकार करते हैं तो आपको रेलवे सुरक्षा बल को सौंपे जाने और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किए जाने की नौबत आ जाएगी। RPF इन यात्रियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, जो उन पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होता है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह तक की कैद हो सकती है।
चीन में तेजी से बढ़ रहे जानलेवा कोरोना वायरस के सब वेरिएंट XBB.1.5 से बच के रहना। भारत में शुक्रवार को इस सब वेरिएंट से जुड़ा पहला मामला सामने आया। कई अध्ययनों से पता चला है कि XBB.1.5 बाकी ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। अब एक्सपर्ट्स ने लोगों को सब वेरिएंट से सावधान रहने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट अब भारत में कदम रख चुका है, ऐसे में लोग तभी बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय खोला है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। ऐसी पहली बार है जब कांग्रेस ने चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय खोला है। दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग जहां हैं वहां वोटिंग कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने नया प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसे रिमोट वोटिंग सिस्टम नाम दिया गया है। नया वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कितना अलग है राजनीतिक दलों को, इसकी जानकारी देने के लिए 16 जनवरी को इसका लाइव डेमो रखा गया है। हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से ही विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। विरोध को लेकर विपक्ष दो हिस्सों में बंट गया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले ही सियासी चर्चों ने जोर पकड़ लिया है। क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, इस बात को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद अटकलें शुरू हो गई है। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 3 जनवरी यानी मंगलवार को एंट्री होगी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस यात्रा में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी शामिल होंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनुगोलू कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद शकीर हुसैन, प्रभास कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, धनंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है चुनाव प्रक्रिया में रिमोट वोटिंग सिस्टम को लागू कर देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।